गुड आफ्टरनून, मैं कंचन। आप है मेरे चैनल में जय एजुकेशन गाइड। अगर आपको मेरे यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम अपने टॉपिक पे आते हैं, सजीव में नियंत्रण एवं समन्वय। शरीर की विभिन्न क्रियाओं जैसे चलना, सांस लेना, भोजन का पचना, गति सूंघना आदि समन्वय एवं नियंत्रण की आवश्यकता होती है। तो सजीवों में जो रहता है, समन्वय एवं नियंत्रण का कार्य दो प्रकार से होता है, तंत्रिका तंत्र द्वारा और रासायनिक पदार्थों द्वारा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि तंत्रिका तंत्र के प्रमुख अंग मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिकाएं, संवेदी अंग। देखिए हम देखते हैं मानव तंत्रिका। तो ये जो ऊपर वाला भाग रहता है मस्तिष्क, और जो है ये देखिए ये वाला भाग है तंत्रिकाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मस्तिष्क। यह शरीर का कोमल एवं महत्वपूर्ण अंग है और खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहता है। बोलना, सुनना, पहचानना, स्पर्श, स्वाद, गंध आदि क्रियाओं पे ये क्या करता है, नियंत्रण रखता है। तो हमारे शरीर में होने वाली सारी क्रियाओं की जानकारी जो है किससे होती है, हमको मस्तिष्क को होती है। सारी क्रियाओं की जानकारी जो है मस्तिष्क को होती है। मेरुरज्जु यह मस्तिष्क का पिछला पतला भाग जो है लंबी बेलनाकार नली का रूप ले लेता है, इसे हम मेरुरज्जु कहते हैं। यह रीढ़ की हड्डी की नलिका में सुरक्षित रहता है। मेरुरज्जु के द्वारा शरीर के हर हिस्से से जुड़ा रहता है, अतः इससे शरीर में होने वाले परिवर्तनों की क्या प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है। देखिए नली का रूप ले लिया है मेरुरज्जु, ऊपर का भाग दिख रहा है आपको मस्तिष्क, देखिए डायग्राम में देखिए दिखाया गया है, और नीचे जो है ये नली का रूप ले लिया है। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु को शरीर में होने वाली सभी क्रियाओं की जानकारी कैसे प्राप्त होती है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं तंत्रिकाएं। तो तंत्रिकाएं जो रहती है धागे के समान रहती हैं, धागे के समान इनमें रचनाएं दिखाई दे रही है जो कि शरीर में जाल के समान फैली रहती है, और शरीर के प्रत्येक भाग को मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क से क्या करती है, जोड़ती है। तंत्रिकाएं कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, संवेदी और प्रेरक तंत्रिका। तो वे तंत्रिकाएं जो शरीर के विभिन्न भागों से सूचना मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु तक ले जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, संवेदी तंत्रिकाएं। वे तंत्रिकाएं जो मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु से आदेश शरीर के विभिन्न अंगों तक लाती है, इन्हें हम क्या कहते हैं,